हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं आईपीएल ऑक्शन 2024। मिशेल 24.75 करोड़, प्रीति जिंता बिग मिस्टेक क्या कर दी भाई, पैट के 20.5 करोड़। चलो देखते हैं, ये दो हमें पता था कि 24 और 20 मुझे करोड़ के ऊपर प्रीति जिंता ने इनको ऑक्शन किया होगा शायद उन्हीं की टीम में क्या नहीं, वो तो मुंबई के है ना। नहीं, किन्होंने लिया इनको, मुंबई इंडियंस ने लिया है क्या, पता नहीं देखते किसने लिया है। ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बिग मिस्टेक क्या कि उसने इतना पैसा लिया नहीं, या तो ले लिया या पैसा दिया नहीं लेने का, या लिया नहीं या ले लिया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। अच्छा, वीडियो शुरू करते हैं। नहीं, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरे को जरूर शेयर करना है कि कईयों को बहुत, मतलब वो हर चीज जो हम बोलते हैं उसको पर्सनली लेते हैं। जैसे हमने आईपीएल या क्रिकेट के बारे में बोलते हैं कि नहीं, क्रिकेट में इतना पैसा नहीं लगना चाहिए या और स्पोर्ट्स में लगना चाहिए, या कुछ हम मतलब अगेंस्ट बोलते हैं किसी चीज के बारे में रिलेटेड टू क्रिकेट, तो कई उसको पर्सनली लेते हैं क्योंकि भैया बड़े क्रिकेट के दीवाने होंगे वो आप लोग। तो भाई इसको पर्सनली लो, उसको ओपन दिमाग से सोचो, उस टाइप से नहीं सोचो। ऐसे ही होता है कि किसी मूवी को गंदा बोल दो, भैया आप जिस जो उसमें हीरो है तुम आप उसके अगेंस्ट हो इसलिए आप वो बोलते हो, ये करते हो। तो हर चीज को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उनका साथ दे रहे हो, कल को आपको जरूरत पड़ेगी, इन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं करनी है, आपकी हेल्प सिर्फ आपके परिवार वाले करेंगे। तो इतना हर चीज को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे को ठीक लग रहा है, जो हमारी थिंकिंग हम उसको शेयर करते हैं, हम बहुत फ्रैंकली बोलते हैं। अब अगर आपको हर चीज में वाह वाह सुनना है क्रिकेट का, जैसे ओ एक एक रिएक्शन ये भी हो सकता है कि भैया मिशेल को इंडिया ने 725 करोड़ में ले लिया, तो एक रिएक्शन क्या हो सकता है, ओ इंडिया में इतना पावरफुल हो गया आईपीएल। एक मिनट, आईपीएल जो इतना मतलब ग्रेट है, इंडिया का तो आईपीएल इतना ग्रेट है कि 25 करोड़ में ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर को ले लिया जिसने वर्ल्ड कप जीता था, उसको इंडिया ने खरीद लिया, ये कौन करेगा भैया। फेक रिएक्शन चैनल्स होंगे पाकिस्तानी, उनको अगर आपको इस टाइप से बस हर चीज में जय जयकार देखनी है इंडिया की या उस टाइप की देखनी है, हर चीज में वाह ही सुननी है, तो वो उसके लिए पाकिस्तानी चैनल्स बने हुए हैं। हम लोग सोच के समझ के ट्रू बोलते हैं, जो हमारे थॉट्स है, डीप थॉट्स होते हैं वो बोलने की कोशिश करते हैं और अवेयरनेस लाने की कोशिश करते हैं पब्लिक में कि अपना टाइम इतना वेस्ट मत करो क्रिकेट में या किसी और चीजों में, क्योंकि वो तो अमीर हो रहे हैं पर आपको क्या फायदा मिल रहा है, ये सच्ची बात है। उन लोगों को इतने सारे फैंस का नाम भी नहीं पता। एग्जैक्टली वैसे ही हम बोलते हैं कि पाकिस्तानी चैनलों को मत देखो, वो सब झूठे हैं, बाबा इनकी झूठी है। एक मेन पॉइंट ये होता है कि हर जो प्रोफेशन होता है उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, राइट। एंटरटेनमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो एक लेवल पे है, मगर उससे ऊपर पर बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। एग्जैक्टली डॉक्टर्स का देखिए, इंजीनियर्स का देखिए, आपके जो सोल्जर्स का देखिए, ऐसे बड़े सारे प्रोफेशंस हैं जिनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, उनके बिना पूरा वर्ल्ड नहीं जी सकता, उनकी सैक्रिफाइसेस भी बहुत ज्यादा है, उनका हार्डवर्क भी बहुत ज्यादा है, पर उनको वापस में रिटर्न बहुत कम मिल रहा है। अब मैंने यही बोलने की कोशिश की थी, डॉक्टर जो होते हैं, सर्जन जो होते हैं, इतना पढ़ के जाते हैं, इतना टेस्ट देते हैं, पर उनको इतना नहीं मिल रहा। तो भैया मुझे कमेंट्स में कई ऐसे आके लिख रहे थे, ये क्रिकेटर्स में तो बड़े हार्डवर्क करते हैं, इतने लाखों में से एक चुना जाता है। अगर कोई क्रिकेट नहीं खेलता आपको कुछ नहीं होगा, अगर कोई क्रिकेट खेलना बंद हो जाए, क्रिकेट वर्ल्ड में बंद हो जाए, अगर कोई भी इंसान क्रिकेट खेलना बंद कर दे आपको कुछ नहीं होगा, मगर अगर डॉक्टर आना बंद कर जाए तो आपको कुछ होगा, इंजीनियर आना बंद जाए तो जहां बैठे यूट्यूब कर रहे वो भी नहीं होगा, राइट। अगर सोल्जर्स ना हो तो आपकी कंट्री नहीं होगी। तो कुछ चीजें आपको जीने के लिए चाहिए, उन लोगों का होना बहुत जरूरी है, तो ये वरना आपकी लाइफ नहीं है। समझदार, अगर अगर क्रिकेटर नहीं खेलेगा कुछ नहीं होगा मुझे भैया, कुछ नहीं होगा, मूवी नहीं बनाएगा मुझे कुछ नहीं होगा, फाइन मुझे ठीक रहूंगा, मगर अगर डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना और सोल्जर नहीं हुआ और हजार जो साइंटिस्ट है साइंटिस्ट नहीं हुए तो गया मैं, नहीं खत्म। और जो क्रिकेटर है वो अपने लिए खेल रहा है, जो एक्टर है वो अपने लिए एक्टिंग कर रहा है, अमीर बनने के लिए कर रहा है, ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं। एक सोल्जर जो है वो पैसों के लिए नहीं कर रहा, वो अपने देश के लिए कर रहा है और उसकी अल्टीमेट सैक्रिफाइस होती है। एक डॉक्टर जो दिन रात पढ़ता लिखता है
वो बेसिकली उसकी जो तनख्वाह है वो ऑलमोस्ट जीरो के हिसाब से होती है, उसकी लाइफ बहुत टफ होती है, जिंदगी भर वो पढ़ता रहता है, पर जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाके आपकी हार्ट सर्जरी किसी की करता है तो उसको एक जिंदगी देता है। Correct. तो दिस इज द डिफरेंस आपको समझने की। ये कई लोग भूल जाते हैं, सबको पता है कि आप पैसा लेके अपने मतलब आप पैसा लेके मरने के बाद यही छुटना है, यू कांट टेक मनी विद यू, जब आप मरते हैं पैसा लेके तो जा नहीं सकते, तो कैरेक्टर ही रह गया, तो कैरेक्टर अच्छा रखो। एग्जैक्टली। हाँ, किसी प्रोफेशन में कोई अच्छा कैरेक्टर कर सकता है, ग्रेट, करिए, मगर समझिए हम क्या बोल रहे हैं। मेन जो जिस्ट वावा करने को हर कोई वावा कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, पर ये आप सोचिए कि हमारी चैनल जरिया है लोगों को जगाने का, जिसको जागना है वो जागेगा। एग्जैक्टली। चलो अब वीडियो देखते हैं, ठीक है, चलो शुरू करें। ओ ये भाई अभी तक तो आईपीएल धोनी था शायद करती थी प्लेयर्स की, ये ऑनर्स ने छेड़ना कब से शुरू कर दिया, सीएसके के अंकल प्रीति जिंटा को देख के रुक नहीं पाए। और ये धोनी है, नहीं कोई और लग रहा है। सब हरकतों के कारण प्रीति जिंटा बेचारी डिस्ट्रैक्ट हो गई, उसने गलत ही प्लेयर बाय कर लिया, शशांक सिंह 19 साल वाले की जगह शशांक सिंह 32 साल वाले खरीद लिए। सीएसके ऐसे ही जीतती है मित्रों आईपीएल, सीएसके के अंकल जी उधर से आंख मारते हैं और इधर से दूसरी टीम के ऑनर एबीडी विलियर्स की जगह टेम्बा बाउमा को बाय कर लेते हैं गलती से। ये आंख मार और छेड़ाछाड़ी वाला वीडियो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, इनफैक्ट भाई पूरा आईपीएल ऑक्शन कवर किया था, कुछ मिस हो गया हो तो टेलीग्राम पर तनय 100 डाल देना आ जाएगा। आईपीएल में जो असली स्वैग में बाबा जी आए थे वो थे हमारे आशु भैया आशीष नेहरा, ये चश्मा ऐसा उल्टा लगा के भाई फुल स्वैग में पूरा टेम्परेचर बढ़ा दिया था रूम का अपनी हॉटनेस से। वैसे यार आरसीबी वालों के लिए एक बार फिर से तालियां बजनी चाहिए मित्रों, क्योंकि जैसे ही हेजलवुड का नाम आया ऑक्शन में आरसीबी मैनेजमेंट ने ऐसे करके हाथ जोड़ लिए, हम तो अल्जारी जोसेफ को लेंगे ना 11.5 करोड़ में, नहीं मतलब कोई मर्सिडीज बेच के मारुति 800 लेना कोई इनसे सीखे। अब स्पोर्ट्स कार की बात हो रही है तो ऋषभ पंत भी आए हुए थे आईपीएल ऑक्शन में दूसरे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने स्पाइडरमैन गाकर, और हमारे फेवरेट ऑनर ये नहीं, हाँ ये 50 लाख के प्लेयर को 5 करोड़ का बनाने आ गए थे। काव्या जी टीम में केवल 4 ओवरसीज प्लेयर को ही खिला सकते हैं, आपने ये जो पूरी बारात बनाई है फॉरेन प्लेयर्स को लेके क्या कीजिएगा इनका, वर्ल्ड 11 की टीम बनानी है आपने। पिटोरी भाई आप तो पास में बैठे थे, आप ही बता देते कुछ, हर साल एक कतई महंगा प्लेयर खरीद के काव्या जी अपनी अमीरी दिखाई देती है, लास्ट टाइम हैरी ब्रुक्स, इस बार पैट कमिंस को 20 करोड़ का। बहुत पैसे मेरे पास, ट्रेविस हेड को भी खरीद लिया 6 करोड़ में, साले हेड मेरा मतलब है साले मेरे हेड भाई, उस दिन 19 नवंबर को भी बिक जाता ऐसे ही जैसे 19 दिसंबर को बिका। ऑस्ट्रेलिया वाले हरामी लोग वर्ल्ड कप भी ले गए, पैसा भी ले गए, हमारे कच्चे सूखे बालकनी में वो भी ले जाओ, बस वही बचा है हमारे पास। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को तो इन्होंने सच में ऐसा खरीदा है ना, वो दोनों मिलके एलन मस्क को फोन कर रहे हैं, हां भाई दूसरे प्लेनेट पे जाने का मन हो तो बताना यार, फंडिंग तुम्हारे भाई कर देंगे। उधर मिचेल जॉनसन ब्रेटली वगैरह सब अपने रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं आईपीएल में ऑस्ट्रेलियन बॉलर का ऑक्शन देख के। और भाई गरीबो कैसे हो, तुम्हारे भाई स्टार्क ने एक आइलैंड खरीद लिया है, वहीं पे कराएगा अपनी बिग बैश लीग, कोई भी प्लेयर पैदल नहीं आएगा, सारे प्राइवेट जेट से आएंगे। ये भाई लग भी इतना खुश रहा था, बाद में इसने हिंदी बंगाली अगले ही 10 मिनट में पूरी सीख डाली, वहां ऑस्ट्रेलिया में टेरिस पे चढ़ के जोर जोर से चिल्ला रहा, कोर बोलो और वो जीत बोले, कोर बोलो और वो जीत बोले, आपसे सब बंगाली में बात करेंगे, कोई इंग्लिश नहीं बोलेगा, इसको क्या बताता भाई, ऐसे सीन होते हैं आईपीएल में, वरना हर साल आईपीएल खेलता। पर यार भाईयो आईपीएल ऑक्शन में वो जो ऑक्शनियर अंकल थे ना लास्ट टाइम जो बेचारे गिर पड़े थे यार, वो बड़े मजेदार थे, वो जैसे बिडिंग करवाते थे ना 220 सोल्ड, वो मतलब बिडिंग का मजा आता था यार, उसमें अलग ही फील था। ये दीदी ने तो माहौल इतना ठंडा कर दिया, इतनी वार्निंग दी है, लास्ट वार्निंग प्लेयर बिक रहा है, लास्ट वार्निंग फिर प्लेयर बिक जाएगा, मुझे मत बोलना हो के कट्टी, वो अंकल की बात अलग थी यार। हर्षल पटेल को भी जिस हिसाब से प्रीति जिंटा ने स्माइल कर करके खरीदा ना भाई, मैं तो फ्री में बिक जाता, मैं बाकी ऑनर्स के वो बिडिंग वाले डंडे ना वो खुद हाथ से जाके नीचे कर देता, मेरे को उसी की टीम में जाना भाई। अच्छा स्पिनर ले लिया ना प्रीति जिंटा ने 10-12 करोड़ में, बेचारे रचिन रविंद्र को इतनी हाई होप्स दी थी कि तुम्हारा 10 करोड़ तो डन है भाई, अरे वर्ल्ड कप में इतनी सेंचुरीज जो मारी है तुमने, ऑलराउंडर हो भाई, और लास्ट में 1.8 करोड़ में सीएसके ने क्या मस्त बाय किया है। उधर स्पेंसर को 10 करोड़ दे दी, अबे स्पेंसर है कौन, मनप्रीत गोनी ही तो है ये। अल्जारी जोसेफ को 11.5 करोड़ मिलते ही उसी शाम उसने खेलने से मना कर दिया वेस्ट इंडीज से, कि मैं को नहीं खेलना भाई तुम लोगों के साथ, गरीब हो बदबू आती तुम में से, किस किस के आना पड़ा तब कहीं बदबू
उसी चीज का फायदा मिला इसको। 2023 में अनसोल्ड गए थे भाई, 2024 में 14 करोड़ में बिके हैं। 2 साल का पैसा एक ही बार में वसूल लिया। सबसे फनी चीज हुई रोसू के साथ भाई, पहले राउंड में तो अनसोल्ड गए और दूसरे राउंड में बिके 8 करोड़ में। ये क्या था भाई, सीधे अनसोल्ड से 8 करोड़। वैसे मित्रों आज है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच, और तुम्हें अगर मैच देखते देखते प्रॉफिट बनाना है तो रजिस्टर करो ऑन स्टेक। स्टेक इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे ट्रस्टेड स्पोर्ट्स वेबसाइट है। इसके ब्रांड एम्बेसडर है ड्रेक। यहाँ पर तुमको 24/7 कस्टमर सपोर्ट तो मिल ही जाता है, और पिन कमेंट में जो लिंक दिया है उससे रजिस्टर करके फर्स्ट डिपॉजिट करने पे तुमको 200% का बोनस भी मिल जाएगा। जल्दी जाओ रजिस्टर नाउ ऑन स्टेक। इसको चेन्नई सुपर किंग्स क्यों बोलते हो, न्यूजीलैंड क्यों नहीं घोषित कर देते? जब से माही भाई को वर्ल्ड कप में रनआउट किया है ना, सीएसके ने सारे कीवीज भर लिए हैं कि मैच के पहले तुम्हें कोड़े जरूर लगाएंगे। अगर हेड की एज 29 इयर्स थी, 30 प्लस होती तो स्क्वाड में होता। सीएसके के भी कुछ रूल्स हैं, परंपरा प्रतिष्ठा है। टेम्बा बहुमा, कोई मुझे भी आईपीएल में ले लो, मैं कौन सा आतंकवादी हूँ यार। टेम्बा बहुमा आईपीएल में होता भाई साहब, मीम्स की कमी नहीं होती। अभी भी किसी टीम को एक कैप्टन चाहिए हो, सुपर कैप्टन चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट टेम्बा बहुमा। 5 करोड़। अलजारी जोसेफ 12। भाई साहब ये क्यों, ये क्या आरसीबी का मैनेजमेंट क्या दिमाग लगाया है भाई साहब, डबल प्राइस मिल गया है। स्त्री हमेशा से ही महंगा प्रोडक्ट खरीदती है, या कह सकते हैं सस्ते को महंगा करके खरीदती है। इतने पैसों में तो दोनों भाई मिलके पीएसएल खरीद लेंगे। दोनों भाई मिलके, भाई तुम लोग अलग अलग भी पीएसएल खरीद सकते हो और उसको खरीद के कहीं और आईलैंड पे भी करवा सकते हो, दोनों भाई मिलके। वॉट अ ईयर फॉर पैट कमिंस, वन वर्ल्ड कप, वॉट हाईएस्ट एवर 20.5 करोड़ एज अ फीस, स्टार्क से पहले की बात है। और थर्ड हिज टीम ऑनर is gonna be Kavya. ये मेन पॉइंट है, ये बिगेस्ट अचीवमेंट है पैट कमिंस का। फैंस, इंडियंस आर अननेसेसरीली पेइंग ह्यूज सम्स टू ऑस्ट्रेलियन धवन, ये तो कुछ भी नहीं है। जिसको भी भाई मीम समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ भी नहीं आया कोई बात नहीं भाई। एसआरएच ओवरसीज प्लेयर फॉर आईपीएल 2024 एडम मार्करम सिलेक्टिंग प्लेइंग 11। ऐसा ना हो मार्करम ही ना खेले। काव्या मरण दीदी को किसी ने समझाया होगा कि बस करो देवी माँ, बस करो, फॉरेन प्लेयर नहीं खिला सकते 4 से ज्यादा, वरना ये एक और टीम खड़ी कर देती फॉरेनर्स की। इंडियंस को तो रोज ही देखते हैं, हम पूरे फॉरेनर से खिला लेते हैं। आईपीएल जो है, स्टार गॉट 24 करोड़, कमिंस गॉट 20 करोड़, हेड गॉट 6 करोड़, स्मिथ यू गाइस आर गेटिंग पेड, तुमको पैसा मिल रहा है, मुझे नहीं मिला। आरसीबी के अगेंस्ट लड़ाई तो कर लेगा ना स्टार, इसी बेसिस पे तो खरीदा है, 6 फुट से ऊपर है भाई, मारेगा अच्छे से। एसआरके भी लाइक जवान का पूरा प्रॉफिट स्टार को लेने का लगा दिया ग्वातिया, समझ रहे हो, जब लफड़े होंगे तो स्टार काम आएगा, उसको आगे कर देंगे। स्टार टू कमिंस, साला गरीब कहेगा। अगर कमिंस गरीब है ना भाई तो पाकिस्तान तो। गंभीर भाई कैमरे में देख के हाथ हिला दो, आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ। जिस हिसाब से आशु भाई चश्मे डाल के बैठे थे ना, ऐसे टेढ़े करके मेरे को लग रहा था किसी में टोपी जरूर पहनाएंगे और वो आदमी गौतम गंभीर होंगे, ये नहीं पता था। स्टार किन में, आई एम गोइंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया टू प्रिपेयर फॉर वर्ल्ड कप। गंभीर साला, मेरे को लग ही रहा था भाई स्टार भाई धोखा देंगे, पर इस बार मेंटर जो है ना वो गौती भाई है, टांगे तोड़ देंगे अगर तुम भागे तो आधा मैच छोड़ के। वुमेन आफ्टर दे गेट द गाय नोन फॉर गिविंग मेंटल ट्रॉमा टू अदर्स वुमेन्स लाइक टॉक्सिक बॉयज, पर भाई तुझे कैसे पता एमआई पेज के लिए फेक फॉलोवर्स मैं बाय कर रहा हूँ। एमआई के पेज पे अगर तुम जाओगे ना तो तुमको बिना डीपी वाले लोग लाइन से नजर आने लगे। लोग बोल रहे फेक फॉलोवर्स, क्या पता डीपी हटा दियो भाई दुख में सबने। अरे आरसीबी वालों जरा मेरा रिप्लेसमेंट दिखाना जोसेफ, अगर तुम लोगों ने इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज T20 सीरीज फॉलो करी है ना, जोसेफ को इतना मारा है ना, इतना मारा इंग्लैंड वालों ने। स्टीवन स्मिथ वॉज अनसोल्ड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन, भाई साहब जो फैब फोर बोलते हैं उसमें विराट भाई के अलावा तो कोई T20 प्लेयर है ही नहीं, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रहता तीनों में। 19 नवंबर इंडिया को रुलाया, 19 दिसंबर इंडिया को लूट लिया, 19 जनवरी तुम लोग हम बहुत कूटेंगे। राहुल गांधी's lives have one thing in common. Exit polls and actual results are very different. भाई सबको लग रहा था कम से कम 8 से 10 करोड़ में जाएंगे रचिन रविंद्र, 1.8 CR में क्या बाय किया सीएसके, मेरे को भी लगा था अच्छा जाएगा, स्पिन भी कराएगा, बैटिंग भी करेगा, और क्या चाहिए था? अलजारी जोसेफ को 12 करोड़ देने से तो अच्छा ही है। फैन धोनी सेज रविंद्र भाई की चाबी ला, वो धोनी भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, पापा का पैसा फालतू में उड़ा दूंगी, इसको क्या ही पता चलेगा भाई, ये भी क्या लाइफ है ना, मतलब तुम्हारे कॉलेज के बाद दोस्त लोग 15,000-20,000 की जॉब कर रहे हो और तुम यहाँ पे बैठ के पैट कमिंस 20 करोड़, मिचेल स्टार्क 25 करोड़ कर रहे हो। औरत अपने मन पसंदीदा मर्द को खरीदने के लिए दिल खोल के खर्चा करती है, ऐसा है क्या, ऐसी औरत तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ब्रो। अनकैप्ड प्लेयर की प्राइस इंक्रीज कर राजस्थान रॉयल्स की 95% परचेस खाली करवा दिया, इस बार तो भाई ये टकलू अंकल फिर भी थोड़े शांत है क्योंकि पिछली बार
उनको एक दो पलटवार हो गए थे खुद ही पे। मिचेल स्टार्क के क्या रे मंडली भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया को हमने 100 करोड़ से ज्यादा बांट रखा है कुछ ही दिनों। आरसीबी मैनेजमेंट भाई, आरसीबी मैनेजमेंट जब हेजलवुड आया तो हाथ जोड़ रहे थे और अल्जारी जोसेफ सच्ची में हाथ जोड़ रहे हैं, 12 करोड़ दे दिए, पता नहीं क्या ही फूक क्या है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो और इस भाई को मत भूल जाना। मुझे पता है सबसे अच्छा वो वाला लगा था कि पहले वो इंडिया के वर्ल्ड कप में उनको हराया और उसके बाद अब उनको लूट के जा रहे हैं, लूट के जा रहे हैं। वो मतलब वो सब सोचने वाली और यहाँ पे लगने वाली बात थी, पहले हरा दिया फिर इंडिया को, लूट लिया। मतलब पॉइंट यही था कि और साथ में जो डिसरिस्पेक्ट की थी ट्रॉफी की, वो किसी की बात नहीं कर, मतलब किसी ने उसका नहीं किया, कोई नहीं, मतलब सब चलता है भाई, सब चलता है। वो देखा पर कई चीजें बड़ी मजाकिया भी थी कि प्रीति जिंटा जो है उसको लेना किसी को था, किसी और को ले लिया, ऐसा लग रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई क्या दो लोग थे जिनका नाम, दूसरी लेडी के बता रहे हैं जिसने सारे फोनर भर के बेचारी मैक्सिमम खिला सकते, और एक उसको कितने महंगे में उसी ने लिया हुआ है, तो वो भी तो देखो कि भैया उसको इतना महंगा क्यों लिया, उसका फादर अमीर है शायद, ऐसे लग रहा है कि फादर अमीर है और ये बाकी जो है वो अब अपना मर्जी से खरीद रही है। तो वही है कि भैया अपनी जो आ रहे खरीदने उनकी मर्जी चल रही है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना, कितने में लेना है। अब कई ऐसे हैं प्लेयर्स जिनको महंगे में लेना चाहिए था उनको सस्ते में लिया है, जिनको इतने सस्ते में लेना चाहिए था उनकी इतनी वैल्यू है कि सब हैरान हो रहे हैं कि भैया इतना महंगा इसको क्यों लिया हुआ है, इसको तो हमने कहीं सुना ही नहीं ना। तो वही बात है। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।